एक नया स्टार्ट कार फॉर सेल गेम है एंड आज हम ड्रैग रेस खेलने वाले हैं एंड रेस जा रही है यार सुपरा वर्सेस सुपरा। अगर मैं ये रेस हार जाता हूँ ना तो अपनी सुपरा मुझे लास्ट कर जाऊँगा यार, हार जाऊँगा ओबियसली। ओके अभी मुझे कार को ना सीधा ये आगे लाइन पे लेके जाना होगा रेस ट्रैक के ऊपर एंड आई डोंट नो जब ये रेस स्टार्ट होती है एंड ओके अभी पता नहीं कौन सा यहाँ पे गेम में ग्लिच आ गया है एंड चल ही नहीं रही है यार। देख लो यार आई थिंक मैं जीत चुका हूँ, पता नहीं टाइम स्पीड पैनल आई डोंट नो क्या हुआ है। लेट्स गो अभी मैं सिटी में वापस आ चुका हूँ। ओ यहाँ पे ये लोडिंग ले रही है। ओके एंड गाइस आप देखो मैं आ चुका हूँ अभी दोबारा से सिटी के अंदर एंड आई थिंक मैं कार जीत चुका हूँ। वहाँ पे लॉस देखा हुआ आया था, पता नहीं गेम के कौन से सस्ते नशे हैं ये, बट ये क्या देखता हूँ मैं चला के देखता हूँ क्या मैं सुपरा को चला पा रहा हूँ ये जो अभी मैं नहीं जीता हूँ। ओ मैं एंटर कर पा रहा हूँ इसमें, वाओ। और ये अपनी है यार, इसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा हुआ यूजी मोटर्स, तो वो मैंने पेंटेड करा रखी है। ये मेरी अपनी है, मेरी है, लॉस नहीं है, हुआ ही है, शुक्र है यार। ओके इसमें मैं बैठ रहा हूँ आराम से एंड इसको मैं अपनी रिपेयरिंग शॉप के ऊपर भी भेज सकता हूँ मस्त एंड ये देख सकते हो अभी मैं बैठ सकता हूँ। वहाँ पे मैं लॉस हो गया था यार एंड आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है। वो आई थिंक मैं दो दो सुपरा फाइनली जीत चुका हूँ, वाओ मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। लेट्स गो एक को भेज देते हैं एंड वेट अ सेकेंड अभी मेरे एक डॉलर कैसे हो गए यार गाइस। ओ नो अभी ना मुझे ये सुपरा को बेचना होगा यार, मेरा दिल कर रहा था इसको ना बेचूं बट अभी मुझे इसको बेचना होगा। पहले ना इसको लगे हाथ क्लीन वगैरह वॉश वगैरह करवा लेते हैं, अभी ना मेरी वो स्किल अनलॉक नहीं हुई है एंड लिटरली अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स थे एंड इस ग्लिच के बाद मेरे डॉलर ही उड़ चुके हैं। अभी लिटरली कद्दू जीरो डॉलर एंड नल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मेरी कार भी इससे क्लीन नहीं होगी गाइस, वो अभी मुझे सुपरा बेचनी ही होगी जो अभी मैं जीता हूँ। बट एक अच्छा काम हुआ है कि मुझे सुपरा मिली है, अदरवाइज वहाँ पे लॉस लिखा हुआ आ रहा था बट आई डोंट नो क्या हुआ है, बट मुझे अभी सुपरा मिल चुकी है तो कोई ना हम एक लाख डॉलर की इसको आराम से बेच सकते हैं। तो एक लाख डॉलर की इसको बेचते हैं फटाफट से एंड मैं इसको रिपेयर भी नहीं करवा पाऊँगा। अभी मैंने अपनी सुपरा वगैरह इसी पे ले आया था यार। लेट्स गो अभी यहाँ से उतरते हैं एंड अभी मुझे याद आया मेरे पास एक और कार भी है। अभी मैं कैसे इस कार को रिपेयर करवाऊँगा, टोयोटा सुपरा को मैं थोड़ा सा मैंने ठोक दिया था बट अभी मेरे पास ऑडी आर 8 है एंड आई थिंक ये 6 लाख डॉलर की बिक सकती है, तो मैं आराम से अपने शोरूम का काम करवा सकता हूँ एंड थोड़ी अपनी कार्स वगैरह को भी अपग्रेड वगैरह आराम से करवा सकता हूँ। तो मैं ना ऑडी आर 8 को भेज दूँगा एंड जब प्रॉफिट होगी तो दोबारा से ऑडी आर 8 बाय कर लेंगे। बट अभी मैं ये प्लानिंग ही कर रहा था एंड लिटरली यहाँ पर रात हो चुकी है तो आज का काम ना यहीं पर मुझे पॉज करना होगा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आना होगा। गाइज अभी ना मेरे दिमाग में कुछ न्यू प्लान्स चल रहे हैं यार, लेकिन अभी मैं वो प्लान नहीं कर पाऊँगा एंड ये सुपरा को भी मुझे बेचना ही होगा, अदरवाइज़ अपना टेक्नो मोटर्स जो है ना यूजी मोटर्स वो बिल्कुल सुनसान सा पड़ा हुआ है एंड सोने से पहले ना क्या कर लेता हूँ यार, यहाँ पे थोड़ी सी वगैरह क्लीनिंग कर लेता हूँ। कूड़ा कत्ता यहाँ पे बना के रखा हुआ अपने शोरूम को यार, आई थिंक ये हमारे राइवल हैं एंड मैंने गैस स्टेशन जहाँ पे हम अपने कार को रिपेयर नहीं करवाते यार वॉश करवाते हैं ना, वहाँ पे अक्सर गंद वगैरह पड़ी होती है, मुझे लगता है ये उन्हीं की करतूते हैं, वो ला के यहाँ पे फेंक देते गंद एंड अभी ना मैं बिल्स भी यहाँ पे नहीं ले पा रहा यार क्योंकि मेरे पास कुछ जीरो डॉलर है लिटरली, तो जीरो डॉलर से मैं कुछ भी पे नहीं कर पाऊँगा। ओके अभी मैं बिल भी पे नहीं करवा पा रहा। ओके वो देर इज अनपेड, पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा है बट ये ना अगली सुबह चेक करेंगे। अभी ऑडी आर 8 को मुझे भेजना होगा, ऑडी आर 8 को मुझे किसी ना किसी तरीके से भेजना होगा। अभी कंटेनर के पास जाते हैं एंड आई थिंक मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी एक डॉलर भी नहीं है यार, फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो मुझे अपनी सुपरा को ही ओबियसली लेके जाना होगा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में दोबारा से लेके आ जाऊँगा उसको।
तो लेट्स गो कंटेनर के पास, अभी सुपरा को ही लेके जाते हैं। ओके अभी मैं मस्त बैठ चुका हूँ एंड अभी मुझे इंजन स्टार्ट करना होगा। ओके अपनी कार का इंजन मस्त स्टार्ट हो चुका है, तो लेट्स गो। ओके ओ कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। ओके स्पीड भी काफ़ी अच्छी है एंड हमने ना बहुत सारी ऑप्शन भी मिस कर रखी हैं। अभी मेरे पास 5 या 6 लाख डॉलर आ जाए ना, उसके बाद में आराम से क्या कर सकता हूँ यार, ऑक्शन वगैरह को इजीली ले सकता हूँ, क्योंकि अभी अपना बजट नहीं है यार। तो लास्ट टाइम मेरी गेम पूरी उड़ चुकी थी एंड अपडेट आई थी ना, उसके बाद अपना गेम का डेटा ही लॉस हो चुका था। इस वजह से मैं गेम में काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका था यार। निसान GTR लिटरली मैंने ले रही थी। अभी मेरे नेक्स्ट प्लान ये चल रहा है कि मैं डॉज वाइपर एंड फरारी FFX जो न्यू आई है ना, उनको ढूंढूंगा कार ऑक्शन में, एंड वो वाली वीडियोस भी बड़ी ख़तरनाक होंगी गाइस। तो वीडियो को अभी से लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना इन वीडियोस के लिए, एंड कुछ न्यू न्यू गेम्स ही मुझे बताया करो यार, जो कि मैं ट्राई करूँ आपके लिए, जो कि आपको पसंद हो यार। ओके एंड आज के दिन ना अपना 0 रिजल्ट है यार, बिल्कुल कदू 0 डॉलर हमने बाय करें एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। तो अभी कार मार्केट भी ओपन है बट अपने पास कोई पैसा ही नहीं है यार, कैसे मैं कुछ न्यू कार्स बाय करूँगा। ओके अभी सीधा मैं जाता हूँ ऑफिस के पास एंड सबसे पहले ना ऑडी R8 को सेल करना पड़ेगा यार। बहुत बड़े दुख की बात है बट मैं बेचना नहीं चाह रहा था यार, यार क्या करूँ, मुझे अभी बेचनी होगी एंड आज ना लगे हाथ कार मार्केट को भी चेक कर जाते हैं। एंड आज ना बड़ी ख़तरनाक सी कार आ रखी है, पोर्शे करेरा आ चुकी है यहाँ पे एंड ये कुछ मसल्स कार हैं एंड ये सस्ती सस्ती कार हैं बट एक कार बड़ी ख़तरनाक है जो है पोर्शे। ओके एंड ये बंदे आई दोनों अटक क्यों रखे हैं, इससे बातचीत करते हैं। एंड ये कितने की बेच रहे हो भाई साहब आप, 2,21,000 डॉलर। ओके अभी अपना बजट 0 डॉलर है, तो आप फ्री में देते हो तो फिर कोई बात नहीं है बट अभी अपना पैसा हम क्या करेंगे यार, पहले जाके ODR8 को सेल करते हैं एंड लेट्स गो यार। खाली पीली में यहाँ पे टाइम वेस्ट करने आ गया कार मार्केट में, मुझे ना खाली पीली टाइम वेस्ट नहीं करना होगा यार, फटाक से कार लेनी होगी एंड सेल करनी होगी, तभी हम 0 डॉलर से 10 मिलियन डॉलर के ऊपर जा पाएंगे आराम से। 1 मिलियन भी आज मैं अगर कर पाता हूँ ना इस वीडियो में तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। ओके वाओ यार स्पीड तो अच्छी है यार कार की, बड़ी मस्त है, इसकी कटिंग भी अच्छी है एंड स्पीड भी अच्छी है, और कुछ खास की ना कटिंग बहुत ज़्यादा ही ओवर होती है यार, वो इतनी खास नहीं होती। एंड ड्रैग रेस में भी जाते हैं, क्या ये बेटेज कार कर रही है, तो फिर अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सुपरा से मैं इस कार को इजीली पछाड़ सकता हूँ यार। ओ टोयोटा सुपरा, ओके NGS स्टेशन इस कार का नाम है यार, मैं 2-3 दफ़ा क्लिक इन कर रहा हूँ बट यहाँ पे बेटेज नहीं आ रहा यार, बेटेज कार आ ही नहीं रहा, ओनली 1900 डॉलर, बट एक रेस इससे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी कुछ है ही नहीं है। ओके यू बेट विल बी फोर हेड, क्योंकि मेरे पास अभी 0 डॉलर हैं तो मैं कुछ भी लिटरली कुछ भी इस गेम में अभी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास डॉलर ही नहीं है यार, कुछ होगा तो तभी मैं बेटिंग करूँगा ना, ड्रैग रेस करूँगा। अभी कोई लास्ट चांस मेरे पास अभी यही बचा है कि मुझे ODR8 को सेल करना होगा गाइस, और कुछ भी मैं अभी नहीं कर सकता, मैं इसमें गैम्बलिंग नहीं कर सकता ना ये वाली रेस कर सकता हूँ, लिटरली मेरे पास 0 डॉलर है यार, तो मैं क्या कर पाऊँगा गेम में, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो लेट्स गो आ चुका हूँ ऑफिस में एंड ऑफिस में ना हर अगले दिन यहाँ पे गंद वगैरह आ जाती है, आई डोंट नो कौन रात को आके गंद फेंक के चला जाता है, बट कोई ना हम अंकल को भी यहाँ पे बैठा देंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देंगे यार, वो होमलेस बंदा जो होता है ना जिसको हम पैसे वगैरह देते रहते हैं उसको हम हायर कर सकते हैं यार, लास्ट टाइम मैंने उसको हायर कर रखा था बट कोई ना दोबारा से उसको हायर करेंगे। कूड़े को मैंने मस्त अंदर फेंक दिया है। ओके लेट्स गो एंड अभी ODR8 को मुझे सेल करना होगा। ओके लेट्स गो, इसको रिपेयर वगैरह तो फुल ये हो रखी है, आई डोंट नो क्योंकि ये मैंने बिल्कुल न्यू बाय करी थी और ये कार रिपेयर नहीं हो सकती है। लेट्स गो ODR8 का पूछते हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन योर कार। तो खाली पीली में इसको लेके आ गया था बट
मैं ना इसको अपग्रेड वगैरह सोचने की कर रहा था यार, तो अपग्रेड वगैरह तो मैंने नहीं करी है इसको। अपग्रेड वगैरह करके ना मैं इसको ये सोच रहा था कि इसको हम ड्रैग रेस में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तगड़ी है यार। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है, तो काफ़ी ज़्यादा यार सुपरा एंड बाकी कार से कितनी ज़्यादा लंबी कार है यार। जिस तरह लैम्बोर्गिनी नहीं होती, उस तरह की ये कार थोड़ी सी है, बट लैम्बोर्गिनी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बट ये कम है, बट ऐसे चलाने में ना बड़ी लंबी सी लगती है। लेट्स गो, इसको मैं सेल करूँगा $10 million, 10 लाख का, $1 million का इसको सेल करते हैं यार। $10 million तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, लेट्स गो, इसको सेल पे लगा देते हैं। एंड ये ना मुझे 5 लाख की खुद पड़ी हुई है यार, तो काफ़ी ज़्यादा गेम में ग्राइंड करने के बाद ये मुझे मिली है, तो ऑब्वियसली $1 million इसका बनता है। तो अभी मैं गिन लेता हूँ कितने ज़ीरो होते हैं। ओके, आई थिंक अभी कुछ ज़्यादा ही ज़ीरो हो चुके हैं, आई थिंक 5 या 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 5 ज़ीरोज़ होते हैं आई थिंक। 1 लाख में एंड एक और बढ़ा देंगे तो 10 लाख हो जाएंगे, इट्स मीन 1 मिलियन हो जाएगा। तो अभी बढ़िया यार, तो अभी मैंने भैंस की यार मुझे दोबारा से करना होगा कार ऑन सेल, दोबारा से लगानी होगी। मैंने अभी पुट करी है बट वो प्राइस सेट ही नहीं हुआ, आई थिंक मैं ऊपर प्राइस को सेट करता रहूँ और दोबारा से कार को भी चेक कर लेता हूँ। अभी वही कार है एग्जैक्ट ODR8। एंड मैं ना कुछ कंफ्यूज हो गया था यार, मैंने सोचा सुपरा को मैंने सेल कर दिया है, अभी आई थिंक ये बढ़िया हो गया है। 1 2 3 4 5 6 ओके, अभी मैंने इसको $1 million में सेल कर दिया है। ओके, अभी देखते हैं, कस्टमर का इंतज़ार करना होगा मुझे। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ और काम तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। इस कार के ना साउंड क्लोज कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी नॉइस आ रही थी। ओके, अभी मुझे क्या करना होगा, वेट करना होगा यार, कोई कस्टमर फाइनली कस्टमर आ चुका है, एंड ये एक लड़की है। ओके ओके यार, ये आराम आराम से क्यों आ रही है यार, थोड़ा तेज करो यार, मुझे इसको बेचना है फटाफट से। ओके स्पॉन्ज, ओके अभी मैं अपनी स्किल वगैरह स्पॉन्ज, मैंने ना अभी बार्गेनिंग वाली स्किल पूरी अनलॉक कर ली है। एंड ये $7,40,000 मुझे दे रही है, नॉट बैड यार, काफ़ी अच्छी ये मेरे लिए ऑफर लेके आई है। अभी ना तू थोड़ा इधर ही रहो यार, वेट कर यार, मैं अभी इस आंटी से भी पूछ लेता हूँ। ओके आंटी, हेलो आंटी, तो आप कितने की ले रही हो। ओके 6,92,000 मेरा भेजा खाली है यार, मैं तुझे इतनी सस्ती कार भेजूँगा यार, चूना लगाने आ गई है मुझे। ये लड़की अच्छी प्राइस दे रही है, तो इसी को सेल कर लेते हैं एंड बार्गेनिंग करते हैं, एंड क्या बोलता हूँ मैं इसको 8 लाख का ये ले ले, तो अपने लिए बढ़िया हो जाएगा यार। ओके 1 2 3 4 5 एंड 6 अभी गुड हो चुका है। एंड ओके आई नीड टू थिंक, यार ले ले यार 8 लाख की, काफ़ी बढ़िया कार है, तेज भागती है, एंड तू इससे काफ़ी ज़्यादा ड्रैग रेस भी कर सकती है। ओके एंड एक और लड़की आ चुकी है, इससे बातचीत करते हैं। हो और ये भी बहुत ज़्यादा सस्ती ले रही है यार, मैंने इसको नहीं बेचनी है यार, डील अच्छी है तो कार को निकाल देते हैं। अभी मेरे पास डॉलर वगैरह भी नहीं है, तो मैं गेम में कुछ और चीज़ कर ही नहीं पाऊँगा। तो फाइनली मेरे पास आ चुके हैं $7,40,000। ओके तो अभी ना अपना बिजनेस यहाँ से बूस्ट करने वाला है गाइज, तो देखना। लेट्स गो, पहले ना सुपरा को रिपेयर करवा के ले आते हैं, एंड उसके बाद इसको भी सेल करते हैं, एंड उसके बाद कार मार्केट में जाएंगे एंड ऑक्शन में भी कार्स को मस्त चेक करेंगे, न्यू कार्स लेके आएंगे, एंड अब ना मैं तेज कार्स को लेके आऊँगा एंड बेचूँगा, एंड मुझे ना आज के दिन $1 million को टच करना है। तो लेट्स गो, $1 million में आई थिंक $2,60,000 आई थिंक रहते हैं। तो लेट्स गो, सुपरा को मैंने मस्त यहाँ पे लेके आ चुका हूँ रिपेयरिंग पे, एंड अपनी जो पर्सनल सुपरा है ना इसको भी रिपेयर करवा लेते हैं। $69 इसमें लग चुके हैं, एंड आज के दिन ना मैं एक हाउस भी लूँगा, एंड गेम की आधी चीज़ें मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ। ओके एंड लगे हाथ, अभी वो कार्स वगैरह रिपेयर होंगी हैं, होने को मैंने लगा दी है, एंड अभी यहाँ पे कुछ कचरा वगैरह मेटल्स वगैरह उठा के इसको सेल कर देते हैं मस्त। ओके ओके यार, अभी मुझे एक ही मेटल मिला है, बट मुझे इसने $20 दिए यार, नेट वाह
ओ अभी इस और मेडल्स यहाँ पे फेंक ही नहीं रखे यार, वो कहाँ से मैं लूँगा। ओके ओके अंको, कार अपनी मस्त रिपेयर हो चुकी है दोनों, एंड अब बारी बारी इनको लेके जाते हैं। एंड कार को, ये तो अपनी पर्सनल कार है ना, इसको बायर लगाते हैं सबसे पहले। ओके अभी मस्त ये स्टार्ट हो चुकी है। ओके कितनी ज़्यादा निशा, ये सियान कदर में कितनी मस्त लगती है यार। ओके एंड यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, इसको ना अभी यहाँ पे मैं खड़ा कर देता हूँ लेफ्ट पे लगा के, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ को ठोक के चला जाएगा ना। यहाँ पे इसको मस्त खड़ा कर देते हैं। एंड कार मार्केट इज़ ओपन। ओके कार मार्केट में भी अभी जाएंगे, बट उससे पहले ना ये कार सेल करके जाता हूँ यार। ओके अभी ये मस्त रिपेयर हो चुकी है, एंड इसको अपग्रेड वगैरह भी करवा लेते हैं, इसकी ट्यूनिंग वगैरह जो चीज़ें होंगी वो सब करवा लेते हैं। अभी रिपेयरिंग वाले बंदे ने अपनी कार मस्त रिपेयर करवा दी है, तो लेट्स गो उसको बाहर लेके जाते हैं एंड ऑटो पेंटिंग एंड ऑटो रिपेयरिंग वगैरह इसको करवा लेते हैं। ड्रिफ्ट किट एंड रेसिंग किट मैक्स वगैरह करवा लेते हैं, मस्त अपनी कार तगड़ी हो जाएगी एंड कस्टमर आराम से इसको $1,00,000 का ले जाएगा आराम से, मुझे लगता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको चमचमा दूंगा ना, तो इसको मैं ना थोड़ा सा पर्पल लुक देने वाला हूँ, इससे लोग अट्रैक्ट होंगे एंड वो आराम से अपनी कार को ले लेंगे। ओके मेटैलिक थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ, एंड अभी ये बढ़िया लग रही है, बट वो वाला कलर इसके ऊपर आया क्यों नहीं है। तो पेंट ऑल कार, ओके ये बेहतर है यार, ये काफ़ी बढ़िया है। ओके ये सेट हो चुके हैं, बट पहले ना मुझे वो कार पेंट आल कार ये वाला मुझे पहले करना होगा, एंड उसके बाद मैंने गैस पर करूँगा, उसके बाद मैं गैस कर पाऊँगा कि ये स्मूथनेस मुझे कितनी रखनी है एंड मेटालिक मुझे कितना रखना होगा। एंड अभी ना ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब सी लग रही है, थोड़ा सा बढ़ाना होगा मुझे स्मूथनेस। आई डोंट नो ये स्क्रैच आ रखा है या ये कार ही ऐसी डेंट वगैरह आ रखा है कार में, वो तो रिपेयरिंग करवाने से चला जाता है ना, पता नहीं यार ये शेड की वजह से कुछ लोचा लग रहा है कार में। ओके अभी यहाँ पे ये आई थिंक ये यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। ओके एंड अभी ये थोड़ी कार गंदी हो रखी है, इस वजह से इसका कलर फुल नज़र नहीं आ रहा, इसको एक दफ़ा मुझे वॉश भी करवाना होगा आई थिंक, उसके बाद इसका कलर सही तरह नज़र आएगा। ओके ओ मैं लेके आ चुका हूँ कार को ट्यूनिंग पैनल पे, तो सब चीज़ें मैंने ESP TST सब चीज़ें मैंने इसकी मैक करवा ली हैं, एंड सस्पेंशन मैंने इसकी लिटरली ज़ीरो रख दी है, एंड इसके ना व्हील्स भी चेंज करवा लेते हैं यार, ये वाले व्हील्स इतने खास नहीं हैं, लेट्स गो एक में न्यू टाइप के व्हील्स, ओ ये काफ़ी बढ़िया हैं। ओके कितनी मस्त लग रही है अपनी कार, बिल्कुल लग्जरी वाइब आ रही है यार मुझे, तो ये बाई कर लेता हूँ, $750 के थे, तो अभी थोड़ी मैंने शॉपिंग वगैरह मस्त कर ली है। ओके अभी $737,000 अभी मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं, तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा कार्स बाई कर सकता हूँ, एंड अभी इसको मैं सेल के ऊपर लगा के चला जाता हूँ, एंड उसके बाद एक कार मार्केट में चक्कर लगाते हैं, एंड वहाँ से ना कुछ कार्स सिर्फ सुपर कार्स लेंगे। अभी मेरे पास $7,00,000 हैं, तो उसमें इजीली कार्स को ओ भाई साहब नॉइस यार मज़ा आ गया। NOS यार इसका चेक करो, ओ NOS क्या चेक करो, यहाँ पे रात हो चुकी है एंड कार मार्केट अभी क्लोज हो चुकी है, लिटरली मैं एक सेकंड लेट हो गया। कोई ना अभी क्या कर लेते हैं यार, वैसे भी आया था मैं, अभी मैं नेवर रोड में जाता हूँ एंड वहाँ पे अपने लिए एक घर ले लेते हैं यार। अभी मेरे पास $737,000 हैं, तो इजीली मैं वहाँ पे घर ले पाऊँगा, लेट्स गो। कंटेनर में पहले सो लेते हैं एंड उसके बाद हाउस भी लेंगे। ओके आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हुई है। ओके नेक्स्ट डे करते हैं। ओ ऑफिस इज रियली डर्टी, यू हैव अनपेड बिल्स। यार अभी थोड़ा सा अमीर हुआ नहीं है तो पहली बिल्स और ये दूसरी चीज़ें आ गई यार, क्या यार खुशी नहीं दे सकते ये गेम वाले मेरी, लेट्स गो। ओ यार कार बहुत ही खतरनाक, कार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है गाइस, यार देख रहे हो यार कैसे भाग रही है, ओ भाई साहब
यार NOS में यार ये सुनो, ये फायर नहीं होती, इसकी आवाज़ तो यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एंड ड्रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सी मार रही है। ओके पहले ना बिल्स वगैरह पे करते हैं, आई थिंक ये वही वाली बिल्स हैं जो मैंने पहले ले के गैम्बलिंग में ज़ाया कर चुका हूँ। यार मैंने ये बिल्स ली थी यार गैम्बलिंग के लिए, 28,000 डॉलर आई थिंक मैंने लिए थे, लगभग 30,000 डॉलर लिए थे मैंने एंड अभी आई थिंक हम अमीर हुए हैं तो वो मांग रहे वापस, उनको मुझे पे करना होगा वरना आगे फिर मुझे नहीं देंगे वो। तो ये यार बातचीत में देखो मैंने क्या कर दिया, ठोक दिया एंड कार को ना वॉश करवाते हैं, थोड़ी ज़्यादा गंदी सी लग रही है, साथ में खुद भी मैं यहाँ पे फ्रेश हो जाऊँगा। यार ये क्या यार, कार आई थिंक साफ है यार एंड अभी आप देख सकते हो मेरे पास कितने ज़्यादा पैसा है, फिर भी ये कार क्लीन ही नहीं हो रखी है, पता नहीं यार आई थिंक कार गंदी है या कोई ग्लिच है इस गेम के अंदर, पता नहीं कुछ भी हो सकता है इस गेम के अंदर। लेट्स गो। ओके अभी इसको ऑफिस में ही लेके जाते हैं एंड इसको सेल पे लगा के जाते हैं एंड आज पहले ना बिल्स को पे करते हैं यार, बिल्स को पे करते हैं। ओके एंड ड्रैग रेस में जाता हूँ अब, वो यार क्या ड्रैग रेस में जाऊँगा। ओके भगाते हैं कार को एंड ड्रैग रेस में लेके जाते हैं इसको, सबसे पहले देखते हैं ड्रैग रेस में आज किसके साथ अपनी रेस होने वाली है। वो तो अभी मैं कार को ना ठोकते ठोकते काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है बट ओ फ्यूल भी इसका काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है, कोई ना वो भी डलवा लेंगे। बट आज हम मैं रात को जो सोच ही रहा था वही काम करने वाला हूँ कि एक हाउस वगैरह भी बाय कर लेते हैं एंड अभी ना यहाँ पे कुछ कार्स वगैरह मुझे इतनी खास मिली नहीं है। ओके यार मैंने काफ़ी ज़्यादा कार को डैमेज कर दिया है एंड आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मस्तियाँ मुझे चढ़ी हुई हैं एंड मैं ड्रैग रेस के पास फाइनली आ चुका हूँ एंड देखते हैं कोई तगड़ी सी कार। ओ यार देखो एक ट्रक यहाँ पे ला के रखा हुआ है एंड आई थिंक ये दूसरी कार मर्सिडीज हो सकती है, क्या ये बेटर कार करेंगे या फिर नहीं। यार सिक्स यार क्या कर रहे हो यार, 6 लाख डॉलर मिलते होते तो मैं करता यार, ये डॉलर देखो यार इससे क्या होगा यार, कार एक रिपेयर नहीं होती यार, लिटरली इसमें वो फ्यूल भी नहीं डलता यार, $400 का बेटर कार ही नहीं आ रहा। तो एक रेस वैसे ही आपको ट्राई करवाता हूँ मैं, अभी देखना ये गेम में है ना जो न्यू अपडेट आई है ना काफ़ी ज़्यादा गंदी सी है यार, आगे रेस स्टार्ट ही नहीं होती है। अभी रेस स्टार्ट होने वाली है, सुपरा वर्सेस मर्सिडीज आई थिंक ये हो सकती है, हाँ BMW ये लग रही है, नहीं इंजन को मैं मस्त स्टार्ट करता हूँ। ओके मेरा नाम भी यहाँ पे नूब है, आई डोंट नो नाम कैसे चेंज होता है इस गेम के अंदर, तो मैंने काफ़ी बंदों को देखे ना उनके नाम कम लिखे हुए आते हैं बट मेरा नाम नू भी लिखा हुआ आता है पता नहीं, वो देखो मैं लॉस कर चुका हूँ यार। यार अभी रेस स्टार्ट ही नहीं हुई है, पता नहीं क्या नशे हैं इस गेम के यार, ये क्या हुआ है देखो आपने ना गेम रेस स्टार्ट ही नहीं हुई, दूसरी कार वहीं पर खड़ी है एंड रेस ख़त्म हो चुकी है, क्या ड्रैग रेस है यार, है कुछ बड़ी सी ड्रैग रेस होती है, क्या ड्रैग रेस वाली अपडेट बनाई है इन्होंने, दमाग ख़राब कर दिया। अब ने मैं ड्रैग रेस नहीं करूँगा यार, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो फर्स्ट वाली जो ड्रैग रेस की अपडेट आई थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी यार, उसमें हम बैटरी कार कर सकते थे एंड काफ़ी ज़्यादा हम अर्निंग कर सकते थे यार। अब ये ना ये दो अपडेट्स और आई हैं गेम के अंदर, उसके बाद मैं ड्रैग रेस को फुस कर दिया यार, तो इस वजह से ड्रैग रेस का करना का कोई फ़ायदा नहीं है एंड जब तक आपके हेड टू हेड कार नहीं होगी ना तब तक आप बैटरी कार भी नहीं कर पाओगे यार। अब अगर यहाँ पे एक BMW खड़ी है, मेरे पास ही BMW होगी तभी हम बैटरी कार कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, ये काम ना काफ़ी ज़्यादा ही घटिया सा है। अभी मैं कहाँ से वो ली कार लेके आऊँ तो इसके साथ बैटरी कार करूँ, तो अभी ना नेक्स्ट वीडियो में ना हम क्या करेंगे ये पूरी कार्स को भी ले लेंगे यार, जो जो एक एक सिंगल कार को बाय कर लेंगे एंड फिर तो हमें ईजीली हो जाएंगे, हम ड्रैग रेस ईजीली कर पाएंगे यार, वो वाला काम भी हम कर लेंगे एंड अभी ना एक और ड्रैग रेस में कर रहा हूँ, आई थिंक ये मैं दोबारा लॉस करने वाला हूँ मुझे ऐसे ही लग रहा है एंड इस बार कार चेंज नहीं है, वही कार आई थिंक BMW इस बार मुझे लगता है आई थिंक है ये,
ओके अभी देखना, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ट्रैक के ऊपर, ठीक है अभी आप देख सकते हो। रिटर्न रेस यू विल एलिमिनेट वन रेसिंग जीरो। अभी देखना यहाँ से आगे गेम जाती नहीं है, बैटरी लॉस हो जाती है। ये क्या हो रहा है गेम के अंदर? रिटर्न टू सिटी, अब मुझे जाना होगा दोबारा से। मैं आई थिंक मैंने $2000 में गवा चुका हूँ यार, काफ़ी ज़्यादा यार, दुख की बात है। लेट्स गो रिटर्न टू सिटी। ओके एंड ये वाली अपडेट आ जाए ना, काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाएगा काम। ओके अभी ना ड्रैग रेस बहुत ज़्यादा कर ली है, तो अभी मुझे गेम में एक हाउस भी बाय करना है एंड काफ़ी कुछ और काम भी करने हैं। ये ड्रैग रेस ना बिल्कुल टाइम फोकट वाला काम है यार। इसको लेके जाते हैं सीधा ऑफिस में एंड इसको पहले सेल करेंगे एंड उसके बाद एक बार सो जाते हैं यार, या नेबर रूम में जाके चेक करते हैं, कुछ न्यू कार्स होंगी तो वो बाय कर लेता हूँ एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं यार, क्योंकि $1,000,000 टच करना है मुझे, तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर मैं यही मस्तियाँ करता रहा गेम के अंदर। काफ़ी देर से ना मैं बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा हूँ यार गेम के अंदर, तो मस्तियाँ मुझे बंद करके ना थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, तभी जाके हम $1,000,000 को टच करेंगे। एंड मुझे कार को ना तेज़ी से बाय करना होगा एंड और ला के फटाफट से बस बाय, थोड़ा सा कोई कलर वगैरह चेंज करवा लेंगे एंड अगर कोई रिपेयरिंग का काम हुआ ना वो करवा के भेज देंगे। ज़्यादा लंबे में जाते ही नहीं, उसको रिपेयर करवाना, रेसिंग किट भी लगवाना, बाकी चीज़ें करवाना है ना, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो वो वाला काम हम नहीं करवाएंगे यार। तो ओके अभी इसकी स्पीड आप चेक करो यार, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यार, इसकी नॉइस भी बड़ी अच्छी है इस कार की। ओके इसकी ओरिजिनल वॉइस इन्होंने नहीं डाली हुई रता तता वाली, बट वो डालते ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। आई थिंक ये अभी अर्ली एक्सेस में जा रही गेम, जब इसका पूरा कंप्लीट वर्जन हो जाएगा तो उसके बाद आई थिंक ये साउंड के ऊपर भी ध्यान देंगे यार, उसके बाद पूरी प्रॉपरली आई थिंक मुझे लगता है कार्स की साउंड आएंगी। एंड लिटरली आप देख सकते हो जब ये गेम फर्स्ट पे आई थी ना तब ये आई थिंक 2 GB की थी एंड अभी देख सकते हो आप 5 या 6 GB की हो चुकी है अपडेट्स आके। एंड अगर फ्यूचर में इसकी अपडेट आती जाएंगी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड ये गेम काफ़ी ज़्यादा लार्ज भी हो जाएगी, अगर जो जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में आने वाली हैं अगर वो चीज़ें आ जाती हैं। एंड ये मैंने ना इसकी कुछ अपडेट्स वगैरह पढ़ी थी यार काफ़ी ज़्यादा इनके पेज के ऊपर एंड इनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी, कि ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। अभी ना ड्रैग रेस छोटी सी है यार, लिटरली स्टार्ट होती ही ख़त्म हो जाती है 2-3-4 सेकंड में यार, तो वो को बोल रहे थे उनमें हम वो मोड वगैरह भी डालेंगे, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लंबा सा ट्रैक बनाएंगे जिसमें ज़िगज़ैग वगैरह भी होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टाइम लगाएंगे, जैसा ड्यूटी 5 में आप मोड्स डाल के काफ़ी लंबे लंबे ट्रैक डाल देते हैं, ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड उससे मज़ा भी आता है यार। फ्रोज़ा हॉराइज़न 5 में भी ऐसा ही होता है एंड यहाँ पे ना बिल्कुल छोटी सी ड्रैग रेस है, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है एंड कुछ ना फीचर्स अभी भी मुझे बढ़िया नहीं लगे, कुछ ज़्यादा ही ग्लिचस हैं गेम के अंदर, वो भी ये बोल रहे थे वो फिर भी फिक्स करेंगे अपडेट के साथ साथ। एंड अभी मस्त मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है एंड वो यार मैंने कभी से यार बहुत बुरा बंदा हूँ यार, सुब्रा को मैंने अपनी पर्सनल सुब्रा को यहाँ पे फेंक के चला गया था लास्ट टाइम एंड कितना जलील बंदा हूँ यार मैं। अभी यू हैव अनपेड बिल्स, ओके थोड़ा सा भगा लेता हूँ एंड अपनी कार मस्त है एंड इसको अभी ना वॉश वगैरह करवा लेते हैं एंड उसके बाद सुप्रा जो है ना अपनी सुप्रा नंबर 2 को भेज देते हैं एंड ये वाली सुप्रा तो मैं नहीं भेजूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैंने अपग्रेड वगैरह इसको करवा रखा है। ओह नो यार ये क्या कर रहा हूँ मैं। ओके एंड आराम से इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं एंड सबसे पहले ना इसको क्लीन वगैरह भी कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है एंड इसका जो सियान का है ना बिल्कुल ख़राब से लग रहा है, तो पहले कार को लगाते हैं सेल को, सेल के ऊपर लगाता हूँ मैं सुप्रा को एंड बिल्स पे करते हैं $27,000 हैं एंड अगर मैं ये नहीं पे करता तो आई थिंक ये सून एक लेक हो जाता, मुझे ये पे करने होंगे। ओके ओ यार ये क्या लिखा हुआ है $3,986 ये वेट इज कार करा था पता नहीं, इतने में मुझे पड़ी है सुप्रा यार ये वाले कुछ भी यार $4,000 में मुझे पड़ी है बट मैं इसको $1,00,000 का बेचूंगा। ओके
जीरो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 1-0 ज्यादा हो चुका है, 1-0 को काटते हैं। ओके, मैंने काफी ज्यादा ही महंगी दे रहा हूँ, बट कोई लेने आएगा इसको? कोई है भाई? हेलो, अभी वेट कर रहा हूँ यार कस्टमर का। ओके, मैंने अपनी सुपरा को रिपेयर के लिए भेज दिए। हो, इसको रिपेयरिंग पे लगाते हैं, तब तक आई थिंक कोई ना कोई आ जाएगा इस कार को लेने के लिए। ओके, इसमें ना इतना ज्यादा डैमेज हो रखा है यार, 70 कुछ भी यार, $74। एंड लास्ट टाइम मैंने काफी ज्यादा इसको ठोका था, एंड उसके बाद मुझे बिल आया था $69,000। $69,000 नहीं यार, $69। एंड इसके बाद अभी मैंने इसको लिटरेसी थोड़ा सा ही ठोका था यार, एंड मुझे $74, पता नहीं क्या है यार। लेकिन कोई ना, इसको मस्त अपनी रिपेयर हो चुकी है, एंड आई थिंक ओके, एंड इसको क्लीन वगैरह भी करवाते हैं। ओ, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी वॉइस है इसकी, एंड सामने मुझे कुछ नज़र आ रहा है, आई थिंक कोई कस्टमर आ रहा है। ओ फाइनली यार, सुपरा के लिए कोई कस्टमर आ चुका है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए यार। लेट्स गो, कस्टमर वहाँ पे वेट कर रहा है, वो बाद में चला जाएगा यार। एंड अभी टाइम क्या हो रखा है, ओ 4 हो गए हैं यार गेम के अंदर। वो तो देखते हैं यार, आई एम थिंकिंग, ओ $97,000, वाओ, मैंने इसको सेल कर दिया यार, बिल्कुल $4,000 की आई थिंक मैंने वो ड्रैग रेस से ली थी, पता नहीं उन्होंने खुद ही मुझे दी थी ग्लिच के थ्रू, बट कार मैंने सेल कर ली है। एंड अभी आप देख सकते हो $8,05,000 मेरे पास हो चुके हैं। तो अभी एक बार जाके सोते हैं, एंड आई थिंक नेक्स्ट डे होने से कार मार्केट या कार ऑक्शन ओपन हो जाएगा, एंड उससे ना क्या करेंगे आपको पता ही है, वो कार ला के बेचेंगे यार, ऑब्वियसली $1 मिलियन को टच करना है। एंड अभी ओ एक दफ़ा इसको क्लीन भी करवा लेते हैं, रात को सोने से पहले इसको क्लीन करवा लेते हैं अपनी कार को। ओके, ओ ये भी आराम से $1,00,000 की जा सकती है ये कार भी। ओके, योर कार इज भी, ओ फाइनली यार अपनी कार क्लीन होने लगी है, वरना पहले यहाँ पे एन लिखा हुआ आता था, आई डोंट नो वो क्यों लिखा हुआ था, साथ में मैं खुद भी नहा रहा हूँ यहाँ पे, मस्त मैं भी यहाँ पे साफ सुथरा हो चुका हूँ कार के साथ, ना ना मैं कार के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मस्त जगह है यार, यहाँ पे बैठ जाता हूँ, साथ में मैं भी धुल जाऊँगा कार की तरह। वाह यार, एक ये जो ये कोई कपड़ा वगैरह या इस तरह की चीज़ कुछ यूज़ करते हैं, एंड देख सकते हो आप कितना ज़्यादा, कितनी ज़्यादा खतरनाक सी कार अपनी हो चुकी है। अभी ना देखो अपना लुक कितना खतरनाक लग रहा है कार का। लेट्स गो, अभी जाके सीधा कंटेनर के पास जाते हैं, एंड मैं सोच रहा था हाउस वगैरह भी बाय कर लेते हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा ऑफिस से दूर हो जाता है, वो हमारे लिए बेनिफिट भी है बट इतना खास कोई फ़ायदा नहीं है उसका यार। ओके, तो ऑफिस के पास में भगाते हुए ले आए हूँ, एंड आई डोंट नो ये कार वाले यहाँ पे क्यों खड़े हो रखे हैं। ओके, देखो कार की स्पीड कितनी ज़्यादा खतरनाक है, एंड ओ देख रहे हो कैसे एनओएस मार रही है यार, ओ टन टन टन, फाइनली मैं आ चुका हूँ सीधा कंटेनर के पास, एंड मैं आगे क्यों जा रहा हूँ, ओ भाई साहब मुझे पीछे जाना है। ओ आई थिंक अभी मुझे हाउस बाय कर लेना चाहिए यार, अब आ भी गए हूँ तो ले लेते हैं हाउस को भी। एंड यहाँ पे ना एक हाउस के बाहर कार सेल लिखा हुआ आता है यार, हाउस ऑन सेल लिखा हुआ आता है, ये वाला का हाउस कितना ज़्यादा बढ़िया है यार, बट ये सेल पे ही नहीं है यार, अब गेम वाले कुछ करो यार, ताकि हम नेबरहुड में सारे घर बाय कर दें। ओके, ताकि हम कोई भी घर, एक रेंडम घर हमारे लिए ना हो यार, ताकि हम सारे जो घर हैं ना वो हम बाय कर पाएँ इजीली यार। तो अभी ना जो जहाँ से हम ट्रैवल होते हैं ना, वहाँ पे एक घर होगा, वही हम बाय कर पाएंगे ऑब्वियसली, लास्ट टाइम मैंने यहीं से ही बाय करा था। ओके, ओ BMW, वाओ, ये भी $1 मिलियन की बिकती नहीं है यार, $1,00,000 की बिकती है,
एंड ये भी $10,000 की अभी आई थिंक ये दे रहा है, इट्स नो नो $10,000 की नहीं दे रहा, 1,09,000 इसको तो मुँह मिला 1,30,000 या 40 का भेज सकता हूँ आराम से। एंड इससे ये बाय कर लेते हैं यार, ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अभी रात हो चुकी है तो मुझे जल्दी जल्दी बाय करना होगा, लेट्स गो। $90,000 ऑफर है भाई साहब आपके लिए, क्या आप मुझे दे दोगे या फिर नहीं? यू आर अ मास्टर इन बार्गेन, ओके। ओ यार मैंने लिटरली $90,000 पुटी करा है एंड इसने मुझे कार दे दी है, एंड आई थिंक मुझे $20,000 का मुझे आई थिंक प्रॉफिट हुआ है। ओके अभी कार सेल करने के बाद ही पता चलेगा मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं, लेट्स गो। अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है एंड अभी ना मैं कोई कार बाय नहीं कर पाऊँगा, तो अभी मुझे सोना ही होना होगा यार, और कोई काम तो हो नहीं सकता। क्या मैं रात को कार तो बाय नहीं कर सकता, हाउस तो बाय कर पाऊँगा ना, अभी लगे हाथ में यहाँ पे आ भी गया हूँ तो एक हाउस ही बाय कर लेते हैं यार, यहाँ पे एक हाउस वैसे भी है तो लेट्स चेक करते हैं यार, चेकआउट करते हैं शायद हम हाउस को बाय कर पाएँ रात को। कार्स वगैरह तो अभी सारे बंदों ने आई थिंक अपने गराज वगैरह में लगा दी होंगी, तो वो मैं बाय नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे ना क्या करना होगा, मुझे वो जगह ही भूल गई है यार, ये सारी सारी जगह सेम सी है ना, तो उस वजह से मुझे वो भूल गई है आई थिंक। हाँ ये लास्ट वाले जो पोर्शन में होती है ये, हाँ ये सामने होगा वो हाउस, वो ये रहा ये सामने वाला, ये यहाँ से हम टेलीपोर्ट होके आते हैं, ट्रैवल होके आते हैं, ये वाला का हाउस है सेम। ओह मैं बाय कर पा रहा हूँ यार, ये अच्छी बात है, रात को भी मैं का हाउस को बाय कर सकता हूँ। लेट्स गो अभी यहाँ पे आराम की नींद सोते हैं एंड नेक्स्ट डे को देखेंगे हम क्या करने आगे वाले दिन में। हो आज के दिन हमें $20,000 का लॉस हुआ है, बट कोई ना यार वो हम आगे वाले दिन में रिकवर कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, ओ कार मार्केट आज ओपन होने वाली है एंड अब उसको क्लीन कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट लेट्स गो निकलते हैं, सीधा निकलते हैं यार कार मार्केट के लिए। एंड आज ना मैं सारी कार्स वहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी अपना बिजनेस कुछ इतना खास नहीं चल रहा, अभी मेरे पास $6,00,000 हैं बट अभी मैंने लिटरली एक ही कार बाय कर रही है। एंड अभी ना मुझे ऑफिस में कुछ अपग्रेड भी करनी होगी यार, उसकी जो स्लॉट्स वगैरह होती है ना वो भी मुझे ज़्यादा करनी होगी, एंड अगर वो मैंने ज़्यादा नहीं करूँगा ना तो फिर मुझे कार्स को यहाँ से खुद चला के ले के जाना होगा एंड उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यार। एंड टोयोटा एवरॉन कार है, तो मैं काफ़ी देर से इसको लेक्सस समझ रहा था बट मैंने इसको $30,000 की ऑफ़र दे रखी है। आंटी जी प्लीज़ $30,000 इज़ नॉट बैड यार, ओके थोड़ा सा मुझे बढ़ाना होगा 32 या 35 आई थिंक उसमें ये दे देगी $35,000, इससे ऊपर तो मैं नहीं दे पाऊँगा आपको, ये बहुत अच्छी डील है यार। वो ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, कार बिक चुकी है ओके। एंड ये भैंस की यार, मैं जब भी कार से निकलता हूँ ना अपनी कार को मैं इंजन उसका ऑफ ही नहीं करता यार, ओके काफ़ी लंबी कार है ये भी और लग्जरी कार है यार, इंटीरियर इसका चुक करो, वाह यार काफ़ी बढ़िया है। एंड यही बात मैं अभी आपको बोल रहा था कि अभी मैं इसको लेके नहीं जा पाऊँगा यार, अभी मुझे इसको देखो ना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा यार, अभी मुझे वन बाई वन इसको खुद चला के लेके जाना होगा। अभी ना एक कार को ना मैं लेके जाता हूँ, उसके बाद स्लॉट्स वगैरह को मैं ज़्यादा करवा लूँगा, ठीक है स्लॉट्स वगैरह को मैं ज़्यादा से करवाऊँगा तो उससे मैं इजीली सब कार को भेज पाऊँगा। ओके मैं सुपरा को क्यों भूल जाता हूँ यार, जाके ना मैं अभी क्या करता हूँ स्लॉट्स वगैरह ज़्यादा कराता हूँ एंड उसके बाद ये कार ऑटोमेटिकली वहाँ पे चली जाएगी। ओके एंड कार मार्केट भी अगर रास्ते में पड़ी तो उसको भी चेकआउट कर लेंगे एंड अपनी सुपरा को ना मैं क्या है यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ हाउस के पास, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड बंदे भी देखेंगे मेरा कार कलेक्शन कितना बढ़िया है। बट अभी एक ही है यार, मैंने सिर्फ सुपर कार लूँगा अपने घर के बाहर ला के खड़ा करूँगा, अभी ना यहाँ पे मैं दो तीन कार सी खड़ी करूँगा, तो यहाँ पे कुछ लॉन में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है यार, वो सामने वाला जो घर था ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह थी, वो वाला काफ़ी बढ़िया था एंड बड़ा भी था यार, ये छोटा सा है आई थिंक आगे अपडेट्स में ये वाला हाउस भी शायद बड़ा हो जाए या खुद कस्टमाइज़ कर पाएँ जिस तरह हमें शोरूम पर ये अपडेट आई है, बट
वो अभी लिमिटेड बंदों के लिए यार, तो न्यू बंदों के लिए ना अभी वो अपडेट नहीं आई है, अभी वो डेवलपिंग उसकी चाह रही है ना, तो अगर वो कुछ ज़्यादा बंदों को देंगे ना तो गेम चलेगी ही नहीं, तो वो इस तरह का कुछ कोडिंग वगैरह करेंगे उसके बाद सब खेल पाएंगे वाली अपडेट न्यू शोरूम वाली। तो अभी कुछ वो लिमिटेड आई थिंक यूट्यूबर्स को दिए हैं, अभी टेक्नो भाई ने आई थिंक वो नहीं लिए है, बाकी यूट्यूबर्स ने ले रखी है यार, उन्होंने मस्त वो अपने शोरूम वगैरह भी बना लिए हैं। नेट्स को मैं कार मार्केट में भगा के लेक्सिस को लेके आ चुका हूँ, आज ना कुछ इतनी खास कार नहीं है, ये मसल्स कार है एंड वो BMW, वाओ इससे मैं काफ़ी ज़्यादा पैसा छाप सकता हूँ एंड ये बाय करते हैं यार, ओके $69,000 ये भी हम हमारे नंबर वन कार हो चुकी है लिस्ट की, ओके टोयोटा सुप्रा ओ इसको भी ले लेते हैं, ओ काफ़ी ज़्यादा डील अच्छी है यार $49,000, इसको मैं आराम से 70-80 का मैं इसको बेच सकता हूँ यार, $40,000 की मैंने इसको ऑफर दी है, देखते ओ फाइनली कार इसने मुझे बेच दी है, ओके इसको मैं स्लॉट रिपेयरिंग मैंने भेज दिया यार, अभी देख सकते हो यार मेरी स्लॉट्स वगैरह ओपन नहीं है एंड BMW Series 1 ओके, बट मैं ना अभी सस्ती सस्ती कार नहीं लूँगा यार, मुझे ना बड़ी कार चाहिए, मुझे ज़्यादा मार्जिन चाहिए साथ में यार, सुप्रा के साथ मुझे लिटरली 50,000 की मुझे प्रॉफिट हो सकती है एंड इन कार के साथ मुझे लिटरली 5,000 या 6,000 $7,000 से ज़्यादा नहीं होगी एंड उससे अपना बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग जाएगा गेम के अंदर, तो मर्सिडीज़ कूप को भी मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे इन्होंने मर्सिडीज़ कूप लिखा हुआ बट मर्सिडीज़ कूप होगी एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है 75,000, अभी मैंने इसको $65,000 की ऑफ़र दे रखी है, क्या देखते हैं ये हमें देगी या फिर नहीं, काफ़ी बढ़िया कार है बहुत तेज भागती है एंड वो मुझे चाहिए सिर्फ, ओके ओ मिल चुकी है कार, इसने बेच दी है 65,000 एंड आई थिंक अभी अपनी स्किल भी एक अनलॉक हुई है आई थिंक, उससे ना मैं वॉशिंग वाली वो स्पॉन्ज होता ना वो लूँगा, ओके BMW Coupe मस्त $69,000 की ये दे रही थी एंड दे रही थी, वाह यार बंदा है ये $55,000 मैंने मस्त इसको दे दिए यार, ये बोल रहा है थोड़ी सी ऑफर को बढ़ाओ यार, मुझे लगता है ये 57 या 58 में ये दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता यार इस कार का, तो लेट्स को ऑफर में मैंने क्लिक कर दिया एंड ओके ओ फाइनली इसने कार की चाबी मुझे दे दी है मस्त, और ये BMW कुछ न्यू लग रही है यार BMW N3 ओके 59,000 ये भी 1,00,000 की बिक जाएगी यार, लेट्स गो इसको बोलते हैं 50,000 या 49 या इसके राउंड अबाउट 50 आई थिंक 50 में ये दे देगी यार, मुझे लगता है 50 में ये दे देगी मस्त, ओके $50,000 में इसने मुझे मस्त दे दिए एंड लिटरली आज मेरा दिन कुछ अच्छा ही चल रहा है यार, ओ मसल कार ओके